फिल्मों व वेब सीरीज के नाम पर सनातन समाज और देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश करने को लेकर जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी का ही एक नजारा कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में भी देखने को मिला, जहां के नागरिकों ने भी नाराजगी जताते हुए ऐसी फिल्में बैन करने तथा निर्माता निर्देशकों को कड़ी सजा देने की मांग की। हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने भीलवाड़ा के लोगों से खास बातचीत की, देखें ये रिपोर्ट। वेब सीरीज के नाम पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है या जिस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का जो गलत चित्रण किया जा रहा है, इसके ऊपर आम जन का इस बारे में क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। जी, आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि पब्लिक सिटी स्टंट के लिए या जानबूझ के ऐसे कंटेंट डाले जाते हैं फिल्में ताकि उसका विरोध हो या पब्लिक सिटी स्टंट बढ़े, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा यह मानना है जिस तरह से पैसे कमाने के लिए धर्म के साथ में जो अनलीगल बातें परोसी जाती है, हिंदू धर्म को अपमान करने के लिए आश्रम तांडव पीके जैसी पिक्चरें बनाकर उसी हिंदू समाज से पैसा कमाया जाता है, ये एक योजना तरीके का षड्यंत्र है। ये पिक्चर बनाने वाले कोई भारत को अपनी माता नहीं मानते, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय के हो, पर ऐसा लग रहा है कि जो हिंदू धर्म का अपमान करना चाहते हैं किसी भी माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। और ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दाऊद के इशारे पर चल रही है, ये दाऊद इब्राहिम के सारे गुर्गे हैं जो ऐसी पिक्चरों का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे भगवान के नाम पर तांडव पिक्चर बनाकर भगवान का ही अपमान कर रहे हैं और उसी से धन कमा रहे हैं। हम ये आप सबसे कहते हैं कि ना तो ऐसी पिक्चर देखें, और ऐसे निर्देशक एक्टर इन सबको रोड पे निकले तो इनको जूते पड़ने चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि हिंदू संस्कृति अब दबेगी नहीं, हिंदू समाज अब दबेगा नहीं। जिस तरह का कुकर्म करके पैसा कमाना चाहते हैं तो उनका जवाब जूते से देना चाहिए। मेरा ये मानना है ऐसी पिक्चर भारत के अंदर नहीं चलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से जी भी मैं बात कर, देश के प्रधानमंत्री को भी संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी पिक्चरों को तुरंत बैन लगाए और ऐसे निर्देशक की गिरफ्तारी करे और आजीवन की कारावास की सजा हो उनको जो हिंदू भावना को ठेस पहुंचाते हैं। बिल्कुल, ऐसे निर्देशक को क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? ऐसे निर्देशक जैसे कि वर्तमान में अभी अमेजन की जो वेब सीरीज है, इस वेब सीरीज के जो निर्देशक निर्माता है जफर अब्बास अली, इसने भी जो हमारे हिंदू देवी देवता है इस पर अभद्र तरीके से अमर्यादित तरीके से टिप्पणी करी है। और पूर्व में भी कई सारे ऐसे, जैसा कि पूर्व में बताया गया पीके ओम जी और आश्रम जैसी फिल्मों के अंदर जो अभद्र हमारे देवी देवता के ऊपर टिप्पणी करी है, ऐसे निर्माता निर्देशक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे कानून की धारा लगानी चाहिए कि उनको कम से कम फांसी की सजा या आजीवन कारावास मिलना चाहिए। एक मनोरंजन के नाम पे क्या हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोरंजन तो अपने मनोरंजन के स्थान पे होता है जहाँ मन हमारा रमण करें, इसलिए मनोरंजन होता है ताकि आदमी दुनिया के झंझटों से फ्रेश होकर के थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जावे। लेकिन उसके स्थान पे हमारे किसी देवी देवताओं को या किसी साधु समाज को, किसी संस्कृति को, धर्म को हानि पहुँचाना, ये तो हमारे लिए घोर अपमान की बात है। हमारा साधुओं का और हमारा तो भारी अवमानना होती है, और इतनी अवमानना होती है कि हमको तो इसके ऊपर मान आने का दावा करना चाहिए। और हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसी फिल्म इंडस्ट्री बंद कर देनी चाहिए। अगर वो बिना किसी प्रकार की विचार किए हुए ऐसे फिल्में बना देते हैं, क्या फ़ायदा है? जिसकी संस्कृति को इतनी चोट पहुँचती है, साधुओं को चोट पहुँचती है, जो हम इस धर्म से जुड़े हुए लोगों को हानि पहुँचती है, और हम लोगों के लिए तो, साधुओं के लिए तो भिक्षा मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों की जितनी होती है गुडविल होती है, और गुडविल के आधार पर ही हम लोगों को सब कुछ मिलता है। और अगर साधुओं को गलत ढंग से परोसेंगे और देवी देवताओं को अश्लील ढंग से परोसेंगे तो फिर क्या होगा? लोगों को हमारे प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी और साधुओं के प्रति श्रद्धा होते ही धर्म मुरझाने लगेगा, क्योंकि धर्म का मूल स्तंभ जो है वो साधु लोग है, यही इसके धर्म प्रचारक है, यही धर्म के सन्मार्ग के रक्षक है, और यही अपने अष्ट देव और आयादेव की पूजा करते हैं। इनके प्रति भी अगर ऐसा भाव रखेंगे, दिखाएंगे, तो कल क्या होगा? हम लोगों की धर्म संस्कृति कहाँ जाएगी? क्योंकि नई पीढ़ी आने वाली तो ऐसे सोचेगी कि देवता ऐसे ही थे, ये साधु लोग ऐसे ही थे, वो ऐसे सोचने लगेंगे। उन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, और ये जो अश्लीलता ढंग से परोसी जाती है जिसके कारण हमारे धर्म संस्कृति को भारी आघात पहुँचता है, ऐसे आदमियों को तो जेल में आजीवन डालना चाहिए और ऐसी जो काम करते हैं इस इंडस्ट्रीज को हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। क्या जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि उनको पब्लिक असिस्टेंट मिले, या क्या मानते हैं आप? इसके पीछे विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। सभी विदेशी ताकतें हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती है। इस हिंदुस्तान को हिंदू संस्कृति और धर्म ने ही एक करके रख रखा है, तो इनको ये मालूम है जब तक हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को हम नहीं तोड़ेंगे, हिंदुस्तान का हम बाल भी बांका नहीं कर सकते।
अतः ये हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की खिल्ली उड़ाना, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को मतलब गलत तरीके से निरूपण करके लोगों में उसके प्रति मतलब नफरत पैदा करना, ये उनका उद्देश्य है। इनको विदेशों से फंडिंग मिलती है और हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में इनको बार बार माफ़ कर देती है। किसी आदमी का मर्डर करके आप माफ़ी मांग लो तो उससे उसकी माफ़ी होती नहीं है। इनको सरेआम चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। बिल्कुल, सरकारें ऐसे फिल्मों को सर्टिफिकेट क्यों देती है? जब ऐसी भावना भड़कती है ऐसी फिल्में जानबूझ सर्टिफिकेट क्यों देती है? ये सब राजनीतिक द्वेषता के कारण हिंदू धर्म को जो क्षति पहुंचाने का षड्यंत्र चल रहा है, तो तुष्टिकरण की नीति के जरिए ये हिंदू समाज को एक बदनाम करने की नीति है। इसके अंदर हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करना, हमारी सभ्यता संस्कृति के ऊपर आघात करना, किसी न किसी प्रकार से हिंदू एकता को तोड़ा जाए, ये ऐसा षड्यंत्र चल रहा है जिसके लिए राजनीतिक तुष्टिकरण की नीति भी चल रही है। क्या ऐसे मनोरंजन के नाम से फिल्म बनाना सही मानते हैं क्या आप? एकदम गलत है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो इनका बहिष्कार करने के ही निवेदन करूंगा कि आप इनका बहिष्कार करा जाए। बिल्कुल, हिंदू धर्म धार्मिक भावनाओं आत करने के लिए फिल्में बनती है, क्या ये क्या कार्य होनी चाहिए इनके खिलाफ? इनके खिलाफ कार्य होने चाहिए कि ऐसी फिल्में नहीं बनाए, हमारी हिंदू संस्कृति को ये शोभा नहीं देता है। ये नारी शक्ति को बिल्कुल विश्वासघात है कि ऐसी फिल्में बना के हमारा अपमान ना करें और हिंदू धर्म सभ्यता को भी ये शोभा नहीं देता कि ऐसी फिल्में नहीं बनाए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं कि भगवान का अपमान हो, साधु संतों का अपमान हो और इससे हमारे बड़े संतों का इनका भी अपमान होता है। ऐसी फिल्में बनाने से इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, क्या सजा मिलनी चाहिए इनको? आए दिन ऐसी जो फिल्में बना देते हैं, क्या इन फिल्मों पर बैन लगना चाहिए या फिर सेंसर बोर्ड होता है? इतनी कड़ाई होने के बाद भी क्यों इनको सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं? हमारे सनातन धर्म में और ये भारतवर्ष में जो ऐसी पिक्चरें बनती है, सेंसर बोर्ड भी इसको देखता है, उसके बाद भी और भी इसको देख के उसके बाद ही ये पिक्चर रिलीज़ की जाती है। लेकिन सेंसर बोर्ड जो है अपनी आंखें बंद करके और अपनी स्वार्थ के कारण और उनको जो पैसा दिया जाता है, जो उनके जेब भरे जाते हैं, तो वो इन बातों को पूरा देखते नहीं हैं और वो सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरें जो है पास कर देते हैं। तो हमारे ये सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा आघात है। हम इसका तांडव पिक्चर का विरोध करते हैं और जिन्होंने बनाई है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये पिक्चर हमारे भारतवर्ष में नहीं चलनी चाहिए। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ इस पिक्चर को कोई नहीं देखे। बिल्कुल, एक मनोरंजन के नाम पर जिस तरह के आजकल फोड़ता दर्शाई जाती है या हिंदू जो धार्मिक मान बिंदु इनका गलत चित्रण किया जाता है, क्या ऐसी फिल्मों पर बैन लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी हाल ही में जो ये पिक्चर बनी है तांडव, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। किसी भारतीय को ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल, तो अभियुक्त स्वतंत्रता के नाम पर जिस प्रकार गलत चित्रण किया जाता है या जानबूझ के धार्मिक भावना आहत की जाती है, इससे भिलोड़ा का जनमानस भी उद्वेलित है और ये भी यही चाहते हैं कि ऐसी फिल्मों पर रोक लगे। साथ ही तांडव फिल्म के जो निर्देशक हैं उन पर मुकदमे दर्ज हो ताकि आने वाले समय में ऐसी फिल्मों पर पूर्णतया रोक लगाई जा सके। प्रहलाद तेली।